हेडलाइन है टू आदित्य प्रभु एंड टू कृतिका माता जी। तो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारसती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राव्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दिनसारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज के क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी भागवत गीता कोर्स के पार्टिसिपेंट्स को बहुत हार्दिक रूप से मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने आपका कीमती समय निकाल के ये भागवत गीता कोर्स ज्वाइन किए हैं और भागवत गीता का अध्ययन और भागवत गीता को आपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो मैं आपके प्रयास को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, आपके जो प्रयास। मैं प्रयास करूंगा कि मैं भगवान और श्रील प्रभुपाद और गुरु वृंद उनके हाथ के एक इंस्ट्रूमेंट बने और आप सभी भक्तों की सेवा कर सके और जो गुरु परंपरा से श्रवण किए हैं उसको एज इट इज प्रेजेंट कर सके, भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए और मेरी खुद की आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हरे कृष्णा। तो कोर्स शुरू करने से पहले आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं और एक चीज जो मैं लास्ट वीक में भी बताया था कि आपके पास भागवत गीता होना चाहिए, भागवत गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद जी के लिखा हुआ और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपके पास नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और जब क्लास अटेंड करते हैं तो आपको नोट बनाना चाहिए। तो जनरली संडे में जो कोर्स हो रहा है मॉर्निंग बैच में, तो उधर हम लोग क्विज करते हैं, हर सेशन में क्विज करते हैं, लेकिन उधर एक वीक में ही लगभग एक चैप्टर बता दिया जाता है, तो थोड़ा कठिन है उसको पकड़ना। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हर चैप्टर के एंड में एग्जाम होगा, तो और पूरे चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन बना मतलब नोट कर सकते हैं, तो चैप्टर वाइज श्लोक वाइज नोट कर सकते हैं, तो ये पूरे जीवन आपको मदद करेगा। मेरा जो भक्ति शास्त्री में जब पढ़ाई किया था, मेरा जो नोट है, मैंने भक्ति शास्त्री किया था 2005 वो सारा नोट्स मेरे पास अभी भी है। मैं जो एग्जाम दिया था, मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया था, मैंने जो एसे राइटिंग किया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब कुछ मेरे पास अभी भी है। तो
आप चैप्टर वाइज श्लोक वाइज नोट बनाइए, श्लोक का सेक्शन चैप्टर का सेक्शन बता देंगे, पूरा भागवत गीता का सेक्शन बता देंगे, ओवरव्यू बता देंगे, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे जीवन आपको मदद करेगा। भागवत गीता जितना पढ़ेंगे उतना ही नया नया लगेगा, कभी भी पुराना नहीं होगा, इसलिए हमेशा हमें भागवत गीता पढ़ना चाहिए। तो स्लाइड कौन चेंज कर रहा है? तो जिनके पास भागवत गीता नहीं है वो कृपया चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप में लिख दीजिए, आपके कोऑर्डिनेटर को बता दीजिए, तो आपको हम लोग भागवत गीता भेजेंगे एक दो हफ्ता में। और जिनके पास नेटवर्क इंस्ट्रक्शन नहीं है आपके कोऑर्डिनेटर को आप इन्फॉर्म करिए, अगर आप खुद खरीद सकते हैं ऑनलाइन दैट इज ओके, अदरवाइज यू कैन इन्फॉर्म योर कोऑर्डिनेटर्स विल सेंड यू द बुक। ओके, so who is sending the changing the slide? वो आमिर राहुल आ चुके सेंड कर चुके। हाँ तो आप लोग वीडियो में आ जाइए और राहुल कहाँ है? राहुल हाँ तो आप स्लाइड जो स्लाइड शुरू करने वाले हैं वो स्लाइड से वो स्लाइड को दिखाइए। तो लास्ट वीक हम लोग भागवत गीता का इंट्रोडक्शन शुरू किए थे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग चर्चा किए थे कि भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में मुख्य पांच विषय के ऊपर चर्चा किए हैं, तो ईश्वर जीव प्रकृति कर्म काल। तो हम लोग भागवत गीता के महत्व श्रवण किए थे, भागवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, भागवत गीता पढ़ने से क्या बेनिफिट होता है, भागवत गीता कहां से आता है, भागवत गीता किस प्रकार स्मृति और श्रुति दोनों में आता है, भागवत गीता महाभारत के पार्ट है, भागवत गीता में कितनी श्लोक हैं, और फिर हम लोग श्रवण किए थे इस प्रकार भागवत गीता में भगवान मुख्य पांच चीज बताए हैं, ईश्वर भगवान के बारे में, फिर जीव आत्मा के बारे में, शरीर और आत्मा में फर्क क्या है उसके बारे में भगवान बताए थे, प्रकृति जो इस भौतिक प्रकृति जरा प्रकृति प्रकृति के तीन गुण उसके बारे में भगवान बताए हैं, और काल समय के बारे में बताए हैं। चेंज करो स्लाइड, और फिर कर्म के बारे में कर्म के बारे में बताए हैं। ठीक है राहुल, आप बहुत एब्सेंट माइंडेड है, मैं ऑलरेडी क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको बोल चुका हूं कौन सा स्लाइड दिखाना है, और अभी स्लाइड खोल के बैठे हैं दूसरे जगह का। ओवरव्यू में जाइए, ओवरव्यू स्लाइड में जाइए। तो ओवरव्यू में जाइए, ओवरव्यू एंड प्रीफेस का जो स्लाइड है आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज फर्स्ट चैप्टर स्लाइड, दिस इज फर्स्ट चैप्टर स्लाइड, हमें ओवरव्यू का पार्ट वन हुआ है, ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन का। आप अनम्यूट करिए।
आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ओवरव्यू चैप्टर वन। आपको बोल दिया मैं क्लास शुरू करने से पहले, उसके बाद भी आपको। तो भगवान पांच चीज के बारे में बताते हैं, ईश्वर, जीवा अथवा आत्मा, प्रकृति, भौतिक प्रकृति, जरा प्रकृति, फिर काल के बारे में बताते हैं, किस प्रकार समय काल के नियंत्रण में है सब जीव, और जीव के हर एक्टिविटी जो है, कर्म जो है, वो भी काल के नियंत्रण में है। तो समय के अनुसार सब कुछ मैनिफेस्ट करता है। और फिर कर्म के बारे में, स्लाइड को चेंज करो। और फिर कर्म के बारे में भगवान बताते हैं, तो किस प्रकार तीन प्रकार के कर्म हैं। तो ये सारा चीज आपको डिटेल्स आएगा जब हम लोग सेशन में जाएंगे, लेकिन चैप्टर वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगा कि भगवत गीता का पढ़ने का उद्देश्य क्या है, भगवत गीता में भगवान एक्चुअली क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो अगर ये सारा चीज आपको क्लियर नहीं होगा तो भगवत गीता पढ़ के आपको एक्चुअली मतलब अल्टीमेट कॉन्क्लूजन में नहीं आ पाएंगे। इसलिए बहुत बार जब कोई व्यक्ति अकेला भगवत गीता को पढ़ते हैं तो बहुत बार उनको उनको समझ में नहीं आता है। तो उस भगवत गीता से कुछ लेसन गेन नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसलिए जो भगवान ये मुख्य पांच चीज बताएं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और फिर कर्म। फिर हम लोग चर्चा किए थे कि इस प्रकार भागवत गीता में भगवान दस चीज बताते हैं। तो मैं जो स्लाइड बोल रहा हूं उसको तो दिखाओ, आपके पीछे ही मेरे को लगना पड़ रहा है, बाकी लोगों को मैं क्या बताऊंगा। चेंज द स्लाइड। तो हम लोग चर्चा किए थे कि भगवान और दस चीज कवर किया है भगवत गीता में। तो चार प्रकार के जोग, द कॉज ऑफ आवर मिजरी इन दिस मैटेरियल वर्ल्ड, डिवाइन नेचर, डेमोनियक नेचर, 18 आइटम नॉलेज, डेफिनेशन ऑफ धर्म, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मैटेरियल वर्ल्ड, थ्री गेट्स ऑफ हेल, डेमी गॉड वर्शिप, देन आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग माइंड, मन को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, योग पद्धति को प्रैक्टिस करने के लिए मन को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, री इनकर्नेशन पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं भगवान। और फिर भगवान बताते हैं किस प्रकार हम लोग इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में वापस जा सकते हैं। तो किस प्रकार जीव भगवान को भूल के इस भौतिक जगत में है, और जीवात्मा कर्म के प्रभाव से है, काल के प्रभाव में है, और प्रकृति के तीन गुण के प्रभाव में है। तो अब ये जीव, अगर भगवान पांच चीज बताते हैं, जीव अगर भगवान की शरणागत होता है तो कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है, प्रकृति के तीन गुण के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, और काल के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रकृति के प्रभाव, प्रकृति के तीन गुण के प्रभाव नहीं है। आध्यात्मिक जगत में काल की प्रभाव नहीं है। भौतिक जगत में काल की प्रभाव है, भौतिक जगत में तीन गुण के प्रभाव है, और इस भौतिक जगत में कर्म बंधन है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की शरणागत हो जाता है तो वो काल के प्रभाव से, तीन गुण के प्रभाव से और कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान की शरणागत होना ही असली मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है नहीं कि भगवान से एकाकार हो जाना या भगवान के धाम चले जाना। भगवान के धाम चले जाना ये एक्सटर्नल
एक्सटर्नल डेफिनेशन ऑफ मुक्ति, बाय है क्या बोलते अर्थ है मुक्ति का, लेकिन मुक्ति का अर्थ है भगवान की शरणागत होना। तो और गीता हमें सिखाते हैं कैसे भगवान की शरणागत होना चाहिए, गीता हमें सिखाते हैं कैसे भगवान की भक्त बनना चाहिए, इस प्रकार अर्जुन ने किया था। तो इस प्रकार ये भागवत गीता के मुख्य उद्देश्य है, और प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में इस उद्देश्य को कृष्ण जो भी चीज बोला है इसके लिए बोला है। बहुत बार लोग गीता पढ़ के भगवान की शरणागत नहीं होते हैं, लोग अलग अलग चीज करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन भागवत गीता का जो अल्टीमेट पर्पस है उसको समझ नहीं पाते हैं। इसके प्रभुपाद जी कहते हैं कि डोंट मिस द पर्पस ऑफ गीता, गीता के मुख्य उद्देश्य को फेल नहीं करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, तो फिर आपने सब कुछ मिस कर दिया। तो आगे वाले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे, शुरू में अगर गीता पढ़ के अगर आप कृष्ण भगवान है और कृष्ण की शरणागत होना चाहिए ये समझ में नहीं आया तो आपने गीता नहीं पढ़ा है। ते भगवत गीता, भगवत मतलब भगवान और गीत मतलब गान, भगवान के गाया हुआ गीत, भगवान के दिव्य उपदेश, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो भगवत गीता का स्पिरिट है, भगवत गीता का जो उद्देश्य है या धर्म के उद्देश्य है उसको समझना, और गीता जब आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज और आचार्य के तात्पर्य के अनुसार तो ये सारा चीज और क्लियर होगा, ये सारा चीज और आपको समझ में आएगा। हमें क्या करना चाहिए, भगवान किस प्रकार है, प्रकृति किस प्रकार काम करती है, कर्म किस प्रकार है, तीन प्रकार के कर्म है, कर्म अकर्म विकर्म, और फोर्थ चैप्टर में है, तो ये सारा चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस प्रकार भागवत गीता गाइड बुक है हमारे जीवन के, कैसे जीवन को लीड करना चाहिए। आगे चलते हैं, तो अभी प्रश्न है कि भागवत गीता के कोई माइथोलॉजिकल बुक है, भागवत गीता के कोई कोई स्पेकुलेटेड बुक है क्या, मतलब कोई काल्पनिक किताब है क्या। जैसे मेरे को याद है हम लोग जब 11th में पढ़ते थे तो उधर इंग्लिश में एक चैप्टर था लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स बोल के एक चैप्टर था जिसमें मेरे को याद है हमने पढ़ा था कि जो ये जो लूनर एक्लिप्स वगैरह जो है जिसके बारे में शास्त्र में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया कि इसका राहु केतु का ये होता है, कि सब चीज को माइथोलॉजी के हिसाब से बताया गया है 11 के किताब में। तो उधर कोई ब्रिटिश राइटर थे, मैं भूल गया हमारे समय के सिलेबस में, तो और शास्त्र में जितना चीज बताया गया है उसको माइथोलॉजी या काल्पनिक बोल के बताया गया है, और उसके अगेंस्ट में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है किस प्रकार सूर्य चंद्रमा के बीच में अगर दूसरा कोई ग्रह आ जाता है तो उसका छाया उसके ऊपर पड़ जाता है और इसके कारण ही एक ग्रहण होता है। तो इस प्रकार स्पिरिचुअलिटी के आध्यात्मिक जीवन के जो बहुत सारा जो एक्टिविटीज है, जैसे भगवान की विग्रह की सेवा कर पूजा करना, या हम लोग है पवित्र नदियों में नहाना, और अलग अलग देवी देवता की पूजा करना, और भगवान के नाम जप करना, ये सबको काल्पनिक कहा गया है। तो अभी प्रश्न है कि भागवत गीता ये और ये जो भक्ति है ये कोई रिचुअल है ना, ये कोई माइथोलॉजी है ना, इसके पीछे कोई साइंस है। तो भागवत गीता या वैदिक शास्त्र जो है ये कोई साधारण विज्ञानी नहीं है, ये टॉप मोस्ट साइंस है। तो वर्तमान युग में जो विज्ञान है ये वैदिक
जो विज्ञान है उसका केवल 5-10% ही एक्सप्लेन कर सकता है। तो वैदिक शास्त्र जो है ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो इसमें इसमें जैसे श्रुति है, स्मृति है। अभी श्रुति और स्मृति का बहुत सारा डिविजन्स है। तो स्मृति में मैथमेटिक्स आता है, स्मृति में एस्ट्रोलॉजी आता है, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र आता है, जो नक्षत्र के काल चक्र के ऊपर है वो क्या बोलते हैं बताते हैं। फिर स्मृति में आयुर्वेद आता है, मतलब मेडिकल साइंस है उसके बारे में आता है। फिर स्मृति में कॉस्मोलॉजी मतलब मतलब जो सृष्टि के बारे में, क्रिएशन के बारे में है, और ग्रह नक्षत्र के बारे में है, उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल्स बताते हैं। तो और ग्रामर है स्मृति में। फिर पुराण है, पुराण मतलब इतिहास, पुराण का एक्चुअल मीनिंग है इतिहास। अभी जो करंट इतिहास है, मॉडर्न इतिहास है, ये केवल 300-400 साल पहले का चीज ही बता सकता है, और वो भी ज्यादा कॉन्कॉक्टेड हिस्ट्री है। हम लोग जो हिस्ट्री बुक में हिस्ट्री पढ़ते हैं वो ज्यादा पॉलिटिकल बेस में बनाया गया है। जब ब्रिटिश लोग आए थे वो लोग इंडियन हिस्ट्री लिखा है, और वो सब चीज लिखा गया है ब्रिटिश लोगों के फेवर में। तो उसमें बहुत सारा चीज गलत चीज लिखा गया है। अभी अगर आपकी हिस्ट्री बुक में चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा गया है इसे महापुरुष है, ग्रेट पर्सनैलिटी, और लिखा गया है कि नहीं वो वैष्णव धर्म का प्रचार किया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान है इसके बारे में किधर नहीं लिखा गया है, इसके बारे में किधर भी कुछ नहीं लिखा गया है। तो लेकिन शास्त्र बताते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु को आने से पहले 5000 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो केवल 200-300 साल पहले के मतलब बारे में बता सकते हैं। लेकिन पुराण जो है लाख लाख साल पहले तो उसके बारे में वर्णन करते हैं। इस प्रकार रामचंद्र भगवान के बारे में वर्णन किया जाता है, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान के बारे में, और उसी स्थान अभी भी है भारत में, वो सारे स्थान अभी भी भारतवर्ष में है, उसका बहुत सारे प्रमाण है। अगर आप द्वारका नगर के बारे में जानना चाहते हैं आप यूट्यूब चैनल में जाइए, वो लोग बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो वो समुन्द्र के नीचे द्वारका नगरी अभी भी है। कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो कुरुक्षेत्र में जिस स्थान में युद्ध हुआ था वो युद्ध भूमि अभी भी है। तो ब्रह्म सरोवर अभी भी है। तो जब ब्रिटिश लोग आए थे तो ब्रिटिश लोग भारतवर्ष को कब्जा करने के लिए, भारत के ऊपर राज करने के लिए वो अलग अलग स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है, भारतवर्ष के जो कल्चर है, धर्म है, इतने स्ट्रांग है कि भारतवर्ष को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। तो उन्होंने रिसर्च करके ये सिद्धांत पे आया कि भारत के अगर संस्कृति को ब्रेक कर सकते हैं, भारतवर्ष के धर्म को ब्रेक कर सकते हैं, तभी हम लोग भारतवर्ष में राज कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को भेजा, एक टीम को भेजा, और उन्होंने अपना वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इंग्लिश में क्योंकि अभी जब ब्रिटिश पीरियड आया तो सब कुछ इंग्लिश में चालू हो गया, मॉड हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए हैं, और शुरुआत में सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है ये सब चार्च था। चार्च देखिए, आप भारत के जितने भी या बंगाल में ब्रिटिश लोग पहले आए हैं तो बंगाल में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं सब चार्च है, और उसमें क्या करते थे वो लोग, इंग्लिश मीडियम शिक्षा देते थे और लोगों को बाइबल पढ़ाया जाता था और क्रिश्चियनिटी उसको कन्वर्ट करने की प्रयास किया जाता था। और इस प्रकार जब जब संस्कृत और दूसरे भाषा से इंग्लिश में उसको उसको ट्रांसलेट किया गया
तो भगवत गीता या वैदिक शास्त्र को माइथोलॉजिकल बुक के हिसाब से लिखा गया और उसका बहुत प्रकार की इंटरप्रिटेशन हुआ, मतलब मन गिनित व्याख्या किया गया है। और इस प्रकार भारतवर्ष में जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षित हुए जो 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 लोग निकले, वो उनके धर्म के ऊपर उसके उनके धर्म के ऊपर वैदिक संस्कृति के ऊपर फेथ लूज करके निकले, क्योंकि उनको उसी प्रकार शिक्षा दिया गया, उसी प्रकार के शिक्षा दिया गया है तथाकथित विज्ञान के द्वारा वैदिक शास्त्र के ऊपर उनका फेथ को डिस्ट्रॉय किया गया है। और फिर उसके साथ साथ क्या किया, चाय, फिर अलग अलग प्रकार के जो ड्रग्स हैं, अफीम, गांजा, ये सब फ्री में खिलाया जाता था, पिलाया जाता था। तो इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के जो नशा जातीय द्रव्य है और अलग अलग चीज है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस प्रकार भारत की जो 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 धर्म की जो स्टैंडर्ड है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, इसको ब्रेक किया। और जब ही लोग इस धर्म के स्टैंडर्ड से गिर गए, तभी क्या होगा, उनका यूनिटी ब्रेक हो गया। तो जब भगवान केंद्र में रहते सब लोग यूनाइटेड हैं, जैसे अभी देख सकते हैं इस कॉन में हर धर्म के लोग एक साथ हैं, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर धर्म के लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी इस कॉन में ये स्टैंडर्ड उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये स्टैंडर्ड को आप पालन करना पड़ेगा, अधर्म को छोड़ना पड़ेगा, धर्म या भगवान की आश्रय लेना पड़ेगा। तो ब्रिटिश लोग बहुत दिमाग लगा के भारत को रूल करने के लिए उन्होंने भारत की संस्कृति, भारत के धर्म को तोड़ा है, हालांकि फिर भी तोड़ नहीं पाए, क्योंकि वैदिक संस्कृति इतना शक्तिशाली है। लेकिन वर्तमान सभ्यता में लोग इतने मैटेरियलिस्टिक हैं, और स्पेशली मीडिया, इंटरनेट और अलग अलग चीजों के द्वारा इतना डिग्रेडेड है, इतना कंटामिनेटेड है, कि लोग धर्म के शिक्षा और भगवान से बहुत दूर जा चुके हैं। इसलिए ब्रिटिश लोगों ने जितना ना नुकसान पहुंचा पाया, उसके बाद भी इंटरनेट, मीडिया और वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा लोगों की और डिग्रेडेशन हुआ है। तो जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र एक परम विज्ञान है। तो वैदिक शास्त्र में एम्ब्रायोलॉजी के बारे में बताया गया है। एम्ब्रायोलॉजी मतलब भ्रूण तत्व विद्या, कैसे बच्चे का ग्रोथ होता है माँ के गर्भ में। अभी वो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ साल पहले उसको डिस्कवर किया है, उन्होंने आविष्कार नहीं किया, डिस्कवर किया है। ये तो पहले से ही है शास्त्र में। तो उसी प्रकार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिसेंटली उन्होंने एग्री किया है कि न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो रू मतलब लॉ उन्होंने उन्होंने बनाया था, वो एक्चुअली वेद से चोरी किया है। और उसका प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक दिन, किस प्रकार हमारे पास एक फोलियो है जिसमें वेद में कहां ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया है। जितने भी संख्या है ये पहले से शास्त्र में दिया गया है। 84 लाख प्रकार के जीव प्रजाति है, ये अभी हम लोग जूलॉजी बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र में पद्म पुराण में पहले ही कहा गया है, जलो जान अब लक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति। तो 9 लाख प्रकार के जलचर है, स्थावरा लक्ष विंशति, जो स्थल में रहते हैं स्थलचर है, लक्ष विंशति 20 प्रकार के है, क्रीमया रुद्र संखका, और क्रीमया मतलब जो एक्वाटिक्स है वो 11 लाख प्रकार के है। तो इस प्रकार 84 लाख प्रकार के जीव प्रजाति के बारे में शास्त्र में वर्णन किया गया है। शास्त्र में बहुत सारे भविष्यवाणी की गई है, चैतन्य महाप्रभु, बुद्ध देव,
चाणक्य पंडित, जेसस क्राइस्ट, मोहम्मद, इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी किया गया है भविष्य पुराण में, और एक बाद में सच प्रमाण हुआ है। तो ये जो वैदिक शास्त्र है कोई माइथोलॉजी नहीं है, दिस इज द टॉप मोस्ट साइंस। तो इस प्रकार ये जो और भागवत गीता ये सारे वैदिक शास्त्र के सार है। भागवत गीता वैदिक शास्त्र के सार है। वेदास जो है इलाबरेट फिलोसफी, श्रुति स्मृति और कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड डिटेल्स बताते हैं, लेकिन इतने सारे प्रकार के चीज आप पढ़ेंगे कलयुग में के लिए संभव नहीं है, तो फाइनल चीज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सब चीज के सार जो है, क्या इतने सारे चीज समझ के क्या करना चाहिए, वो भागवत गीता में है, भागवत गीता में दिया गया है। इसलिए एक शास्त्र देवकी पुत्र गीता, एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र का गाया हुआ है। कहां गया स्लाइड, कहां गया? वो लोग निकल गए क्या? तो इस प्रकार भागवत गीता कोई माइथोलॉजिकल बुक नहीं है। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है मेरा बात? आर यू एबल टू हियर मी? यस प्रभु। हाँ हरि प्रभु। ओके ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि भागवत गीता के कोई कोई ऐसी किताब है जो भारतीय भारतवर्ष के लोगों के लिए है या हिंदू लोगों के लिए है? तो भागवत गीता कोई भारतवर्ष के लोगों का भारत के किताब है? तो भागवत गीता एक यूनिवर्सल बुक है। भागवत गीता जैसे सूर्य है, अभी सूर्य क्या भारत के लिए है? सूर्य क्या भारत का सूर्य है या हिंदू लोगों के लिए है सूर्य? यस, मेरा क्वेश्चन है आप सबके लिए। नो प्रभु जी, सबके लिए है। एक ही सूर्य सबके लिए है। उसी प्रकार भगवान भी एक है। जैसे सूर्य एक है और पूरे सृष्टि के लिए एक ही सूर्य है, इस ब्रह्मांड के लिए एक ही सूर्य है। हिंदू हो या अमेरिकन हो, इंडियन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए एक ही सूर्य है। उसी प्रकार भगवान एक ही है जो सबके लिए है। तो और क्योंकि भगवान एक है इसलिए धर्म भी एक है, क्योंकि भगवान एक है इसलिए धर्म भी एक है, और उसको कहते भगवत धर्मो, उसको कहते भगवत धर्मो, और इसीलिए हमारे शास्त्र का नाम है भागवत गीता। भगवत धर्म मतलब भगवान के लिए धर्म, और भगवान के उपदेश, भगवान के धर्म पालन करने के लिए जो लॉ बुक है, जैसे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो उसका एक किताब है। उसी प्रकार धर्म जो है, धर्म भगवान की दिया हुआ आइन है, लॉ बुक है, भगवान का लॉ ऑफ गॉड, भगवान का आइन है, और इसलिए सबके लिए कॉमन है, सबके लिए समान है। तो भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर में भगवान ने ये जो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है, इंडियन, अमेरिकन, हिंदू, मुस्लिम, ब्लैक, व्हाइट, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, ये सब जो बॉडीली कॉन्सेप्शन है, भगवान उसको खंडन किया है। और इस प्रकार भगवान ने एस्टेब्लिश किया है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हम लोग हमारा जो सेकेंड अटेंडेंस है, हम लोग 9:10 पे लेंगे, 9:10 में सेकेंड अटेंडेंस होगा, और 9:10 में जितने लोग रहेंगे आपको सेकेंड अटेंडेंस मिलेगा। तो हम सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं 9:10 तक रहिएगा। तो ये सारे कृष्णा, तो ये जो भागवत गीता है, भागवत गीता में भगवान बताते हैं किस प्रकार हम लोग इंडियन नहीं है, अमेरिकन नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, आत्मा है, भगवान की अंश है। तो इसलिए गीता जो है सब आत्मा के लिए है, सब आत्मा के लिए है। तो
धर्म सबके लिए समान है। जैसे जैसे भगवान मृत्यु के बारे में कहते हैं, अभी बुढ़ापा के बारे में कहते हैं, बीमारी के बारे में कहते हैं, ये क्या इंडियन को होता है और हिंदू लोगों को होता है? ना, सबको होता है। सबको सबको प्रभु जी सबको होता है। इसका मतलब जो है, भगवान कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, और जिनको कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप दुखों को देखिए, तो ये जो लॉ है ये सबके लिए कॉमन है। इसलिए कि इंडियन को बीमारी होता है, अमेरिका के लोगों को बीमारी नहीं होता, इंडिया को हिंदू लोगों को मृत्यु होता है और मुसलमान लोगों को मृत्यु नहीं होता है। तो ये जो भगवद गीता का जो जो लॉ है, ये भगवद गीता कोई हिंदू ग्रंथ नहीं है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। भगवद गीता इज ए यूनिवर्सल बुक। भगवद गीता भगवान के दिया हुआ लॉ है। तो इसलिए गीता में भगवान खुद कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप लोग महाभारत देखा होगा, उसमें ऐसे बताया जाता है। तो भगवान ने नहीं कहा है यदा यदा ही हिंदू धर्मस्य, यदा यदा ही भारतीय धर्मस्य, यदा यदा ही मनुष्य धर्मस्य। क्या कृष्ण ने ऐसा कहा है यदा यदा ही हिंदू, यदा यदा ही भारतीय, यदा यदा ही मनुष्य? बताया क्या? नो प्रभु जी, नो प्रभु जी। तो यदा यदा ही धर्मस्य, तो धर्म एक ही है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब जो अलग अलग प्रकार के तथाकथित धर्म उपधर्म निकला है, ये मनुष्य ने बनाया है, ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है। तो जो आर्य लोग थे, जो सनातन धर्म के जो जो फॉलोअर्स थे, वो लोग सिंधु नदी के तट में रहते हैं, और सिंधु नदी के ऑपोजिट में अनार्य लोग जो सनातन धर्म को नहीं फॉलो करने वाले थे, आउटकास्ट लोग रहते थे, और वो एस को एच का उच्चारण करते थे, स को ह का उच्चारण करते थे, और इसलिए सिंधु से आ गया हिंदू। समझ में आया? सिंधु से आ गया हिंदू। तो सिंधु के नदी के तट पे भागवत गीता या सनातन धर्म के अनुजाई लोग रहते थे। तो असल में हिंदू धर्म बोल के शास्त्र में कोई शब्द नहीं है। जदा जदा ही धर्मस्य, तो वी आर द फॉलोअर्स ऑफ सनातन धर्म। सनातन मतलब जब पहले था, अभी भी है, बाद है। भगवान सृष्टि के शुरुआत से है, भगवान सृष्टि के पहले से है, क्योंकि भगवान सब कुछ के आदि है, भगवान से सब कुछ आया है। तो इसलिए भगवान सृष्टि के शुरुआत में है, सृष्टि के पहले से है, सृष्टि के बाद और प्रलय के बाद में भी रहेंगे। और उसी प्रकार भगवान के अंश होने के नाते आत्मा भी सृष्टि के पहले से है। भगवान जब से है, आत्मा तब से है, और आत्मा का भी प्रलय नहीं होता है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। और जो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्नते हन्नो माने शरीरे, शरीर का विनाश होता है लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा सनातन, भगवान सनातन, और भगवान के साथ आत्मा का संबंध जो है वो भी सनातन है, और उसको ही धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब है भगवान के साथ आत्मा का संबंध, वो धर्म कहते हैं। तो इसलिए ये जो धर्म है, ये कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं है। धर्म सनातन है क्योंकि भगवान सनातन है, या इसको भागवत धर्म कहते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य, भगवान के प्रति हमारी सेवा, उसको कहते हैं धर्म। जैसे हमारे शरीर पूर्ण है और शरीर के अंश है हाथ, तो हाथ का धर्म है शरीर की सेवा करना। उसी प्रकार जीव भगवान की अंश है और जीवात्मा के कर्तव्य है भगवान की सेवा करें। तो वैदिक शास्त्र बताते किस प्रकार भगवान कोई निराकार नहीं है, भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान परम पुरुषोत्तम है। तो वैदिक शास्त्र में वर्णन किया गया किस प्रकार, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, और सारे जितने भी देवी देवता हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब भगवान के
भगवान के अंश है। तो इस प्रकार भगवत गीता कोई हिंदू ग्रंथ नहीं है या भारतीय ग्रंथ नहीं है, सबके लिए कॉमन है। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? तो हम लोग चर्चा किया किस प्रकार भगवत गीता इज नॉट ए माइथोलॉजिकल बुक। हम लोगों ने चर्चा किया कि भगवत गीता कोई इंडियन बुक या हिंदू बुक नहीं है। अभी हम लोग चर्चा करने की जा रहे इस भागवत सिंबॉलिक बुक, सिंबॉलिक टेक्स्ट। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत गीता एक सिंबॉलिक बुक है। सिंबॉलिक बुक का मतलब है ये जो कृष्णा, ये पांडव, ये सब लोग एक्चुअली नहीं है। असल में ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है ये सब बनाया हुआ है। तो क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के दुर्नीति होता है, अलग अलग प्रकार के जो इमोरालिटी होता है, और लोगों को उस इमोरालिटी से रक्षा करने के लिए ऐसा किताब लिखा गया है जिसके द्वारा, स्टोरी के द्वारा लोगों को समझाया गया है कि किस प्रकार आपको इमोरालिटी नहीं नहीं करना चाहिए। जैसे रावण, रावण था और वो अधर्म के प्रतीक था, कामुक था, और किस प्रकार राम ने उनका हत्या किया है। तो राम जी है आदर्श चरित्र है, तो हमें चरित्रवान होना चाहिए। असल में राम जी बोल के कोई नहीं था, रावण बोल के कोई नहीं थे। किसने देखा है 10 सर वाले रावण को, किसने देखा है 4-5 मुंह वाले हनुमान को इतने बड़े, ये सब कहानी है, ऐसे लोग कहते हैं। और इस प्रकार बहुत लोग समझाते हैं, तथाकथित दार्शनिक लोग होते हैं या तथाकथित लेखक लोग होते हैं जिन्होंने भगवत गीता का गलत व्याख्या करते हैं। तो लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है एक 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 शरीर के जैसा है, और उसमें अर्जुन के जो 5 घोड़ा हैं, 5 घोड़ा हैं वो हमारे 5 इंद्रिय के जैसा है, वो 5 इंद्रिय के जैसा है, और कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा के जैसा है, और अर्जुन है आत्मा। तो अर्जुन आत्मा है और हमारे जो जो बुद्धि है वो लगाम जैसा है, हमारे बुद्धि जो है लगाम जैसा है। तो इंद्रियां और मन अगर अलग अलग दिशा में भटकेगा, परमात्मा का बात नहीं सुनेगा, तो क्या होगा, वो रथ जाके गड्ढे में जाके गिरेगा। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज देने के लिए गीता लिखा गया है। असल में कृष्ण बोल के कोई नहीं था, असल में अर्जुन बोल के कोई नहीं थे, और असल में युद्ध फुद्र कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा लोग बोलते कि असल में जो सिंबॉलिक है ये भागवत सिंबॉलिक है। तो ये भागवत गीता के ऊपर और भगवान के ऊपर पूरा फेथ को डिस्ट्रॉय करता है। तो सिंबॉलिक है उसका, अगर आप सही लेसन निकाल सकते हैं वो अलग बात है, ठीक है। वो लेसन आचार्य के द्वारा ही रिकमेंडेड होता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी लेसन निकाल दिया, ठीक है, और आपने जीवन में फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका लेसन का कोई वैल्यू नहीं है। कोई चाय पी रहा है और गीता में बहुत सुंदर बे लेसन है, और वो कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और वो गीता से, हाँ गीता में ऐसा बोला गया है, मेरे 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 मत मेरे अनुसार गीता ऐसा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप गीता को फॉलो नहीं करेंगे और कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो यू नॉट हैव एनी राइट टू कमेंट ऑन गीता। तो भागवत गीता तो पहला चीज है। सेकेंड चीज है के जो कृष्ण भगवान, अर्जुन, पांडव लोग, हाँ पांडव लोग, हाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, ये कोई काल्पनिक नहीं है। कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आए थे, और पांडव लोग थे, कौरव लोग थे, और उनके पूर्वज लोग थे, उनका जनरेशन श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है, भागवत पुराण में वर्णन किया गया है, उसके पूरा क्या बोलते हैं हिस्ट्री, जनरेशन
एकदम एज इट इज, किसका पुत्र कौन है, चंद्र वंश के हिस्ट्री दिया हुआ है, और भागवत गीता पहले भी बताया गया है, कृष्ण वो बोलते हैं गीता में चौथा अध्याय में, इमोंग विवर्षते योगान प्रोक्तवान आहुर अब्बाय में, भागवत गीता मैंने सूर्यदेव विवर्षण को पहले दिया था, विवर्षण मनु को दिया था, मनु इक्ष्वाकु को दिया था, और इस प्रकार इस गीता के ज्ञान आ रहा था, और बाद में ज्ञान क्या हुआ, ये जो कने, ये जो चेन है ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया, और इसलिए अर्जुन मैं फिर से ये ज्ञान आपको दे रहा हूं, सौ ए बायो माया तेजम जोग प्रोक्ता पुरातन। तो ये जो गीता के ज्ञान परंपरा से आ रहे थे एवं परंपरा प्राप्तम 4.2, ये आपको ये सारा चीज आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ना, तभी आपको भागवत गीता के ऊपर फेथ डेवलप होगा, भागवत गीता के ऊपर श्रद्धा डेवलप होगा, एंड विदाउट दैट श्रद्धा, विदाउट दैट फेथ, हाउ यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ भागवत गीता, द मैसेज ऑफ भागवत गीता, बिकॉज भागवत गीता इज नॉट सम इंटेलेक्चुअल बुक, भागवत गीता कोई कोई बाहर के स्कूल कॉलेज के पाठ्य पुस्तक नहीं है कि पढ़ाई करके वो मेमोराइज करके फिर एग्जाम हॉल में वॉमिट करके फिर मार्क्स पा लिए, तो दैट इज योर मेमोरी पावर, हाँ वो आपके मेमोरी पावर है, आपने कुछ बाय हार्ट किया है, मुखस्त किया है और उसको लिख दिया है, तो उसमें कोई ज्ञान नहीं दिया गया है, उसमें कोई आत्मा के कल्याण के बारे, मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं है, तो इसलिए भागवत गीता रूपी दिव्य ज्ञान और जो हमारे जीवन के कर्तव्य, आत्मा का कर्तव्य के बारे में, भगवान के साथ हमारे संबंध के बारे में बताते हैं, उसको श्रद्धा से ही, भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। जैसे मैं लास्ट वीक में बोल रहा था कि कौन भागवत गीता को समझ सकते हैं, सही से ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे ईश्वरेर कृपालेश होयेछे जहारे, वही ईश्वर तत्व समझ सकता है जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा हुआ है, जो ईश्वर की शरणागत हुए हैं। तो इसलिए भागवत गीता कोई सिंबॉलिक टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट नहीं है, कुरुक्षेत्र अभी भी है और कृष्ण भगवान थे, अर्जुन थे, महाभारत में उसका वर्णन आया है और व्यासदेव जी ने उनको लिखा है, तो इस प्रकार ये दिस इज अ रियल हिस्ट्री, ये इतिहास है, या इसको संस्कृत में बोलते पुराण, पुराण मतलब जो पुराना पुराना है, पुराण मतलब क्या, पुराना है जो इतिहास है, श्रुति स्मृति पुराण आदि, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्न विलिंग बिना, श्रुति स्मृति पुराण ये सारे चीज है, इतिहास है, जैसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जिसने लिखा है, अलग अलग मुनि ऋषि लोगों ने लिखा है, जैसे अभी बहुत सारे इतिहास रिकॉर्ड किया जाता है, तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्लाइड, भागवत गीता कोई कोई रिनाउंसिएट के लिए है क्या, ये प्रभु जी ये तो भागवत गीता के क्लास है, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग साधु सन्यासी हैं, हाँ तो आप लोग के पास टाइम है, आप लोगों को भागवत गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन लेकिन अगर आप देखेंगे कि भागवत गीता का जो पहला स्टूडेंट है अर्जुन, अर्जुन ना कोई साधु था और ना कोई क्या बोलते ब्रह्मचारी या सन्यासी था, तो अर्जुन गृहस्थ थे और वो बहुत ही एक व्यस्त व्यक्ति थे, बहुत 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 सारा दायित्व था उनको, वो एक राजा थे, क्षत्रिय थे, तो ना कोई ना तो वो सन्यासी थे, ना तो ब्राह्मण थे, ना तो वो सन्यासी थे, तो भागवत गीता का जो पहला स्टूडेंट है अर्जुन, अर्जुन गृहस्थ थे और एक बहुत ही दायित्ववान व्यक्ति थे, तो कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चूज किया, पहले भागवत गीता के पहले स्टूडेंट के हिसाब से कृष्ण ने यूं इसलिए चूज किया कि कृष्ण बोलना चाहते कि भागवत गीता कोई साधु सन्यासी के लिए नहीं है, भागवत गीता सबके लिए है, क्योंकि भागवत गीता हमारे जीवन के परम लक्ष्य के बारे में बताते हैं और भागवत गीता बताते हैं हमें इस भौतिक जगत में जब हम लोग रहते हैं तो कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार कर्म करना चाहिए, और भागवत गीता बताते हैं हमें कैसे हमें इस दुनिया में रहते हुए हमारे कर्तव्य को पालन करना चाहिए और उसके साथ साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए और भगवान के धाम में वापस चले जाना चाहिए, तो इस प्रकार भगवान बताते हैं। तो जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो या गृहस्थ हो या क्षत्रिय हो, स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो,
सभी व्यक्ति आत्मा है और हम सभी लोगों का कर्तव्य है भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़े। सभी व्यक्ति का कर्तव्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। सभी व्यक्ति को जानना चाहिए उनका कर्तव्य क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, कौन सा कर्म मुक्ति का कारण है, कौन सा कर्म बंधन का कारण है। तो इसलिए भगवद गीता कोई साधु सन्यासी के लिए नहीं। आप में से बहुत सारे लोग इधर क्लास कर रहे हैं, सोच सकते हैं मैं तो स्टूडेंट हूँ, क्यों इतना पढ़ाई करूँ, क्यों भगवद गीता क्लास अटेंड करूंगा। आप में से कोई सोच सकते हैं आप कोई है शायद हाउस वाइफ है। ये भगवद गीता हम लोगों का कर्तव्य नहीं है, हम तो खुंती चलाएंगे केवल घर में। तो खुंती चलाना जो है ये स्त्री के हिसाब से कर्तव्य है, वो गृहस्थ आश्रम में आपकी धर्म है। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म, आत्मा तो सब है, स्त्री है या पुरुष है, क्षत्रिय है या गृहस्थ है या सन्यासी है, सबका कर्तव्य है। भगवान के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, भगवान के प्रति जो हमारा भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको दोबारा जोड़े। तो इस प्रकार भगवद गीता इज नॉट ए सिंबोलिकल टेक्स्ट, भगवद गीता इज नॉट सम इंडियन बुक और हिंदू बुक, भगवद गीता इज नॉट सम माइथोलॉजिकल बुक, एंड भगवद गीता इज नॉट जस्ट मेंट फॉर रिनाउंसिएंट और मॉन्क। भगवद गीता इज फॉर भगवद गीता इज फॉर एवरीवन। भगवद गीता सबके लिए है, धर्म सबके लिए है, धर्म एक है, भगवान एक है और भगवद गीता सबके लिए है। आगे चलते हैं। तो भगवद गीता पढ़ने की बहुत सारी बेनिफिट है, भगवद गीता पढ़ने की बहुत सारी बेनिफिट। सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है कि भगवान के साथ हमारा संबंध दोबारा जोड़ जाएगा। भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवान के साथ हमारा संबंध तो जोड़ जाएगा और आपको भगवान के धाम जाने की रास्ता मिलेगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की रास्ता मिलेगा। तो इधर बहुत सारे बेनिफिट लिखा गया है, मैं सारे बेनिफिट के बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं क्योंकि ऑलरेडी पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो नंबर टू में है, वी बिकम फ्री फ्रॉम सिनफुल एक्शन एंड सिनफुल प्रोपेंसिटीज। भगवद गीता हम लोग पढ़ेंगे, भगवद गीता हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पिछले जीवन के जितने भी कर्म फल है वो नष्ट हो जाएगा। और क्या होगा ना, भगवद गीता पढ़ने के द्वारा हमारे जितने भी पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसीज है, वो भी खत्म हो जाएगा। भगवद गीता पढ़ने के द्वारा हमारे शुद्धकरण होगा। गीता ध्यानम शीलस प्राणायाम परस च नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जीवन के जितने भी पाप कर्म है दैट विल नॉट एक्ट अपॉन यू, वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा अगर आप भगवद गीता और भगवान की आश्रय लेंगे। हरि बोल। इससे बड़ा बेनिफिट और क्या हो सकता है? तो और भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे, भगवद गीता विल गिव यू सफिशियंट नॉलेज एंड स्ट्रेंथ टू फाइट विद द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस विच पीपल आर फेसिंग इन डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस और डिफिकल्टीज सामना करते हैं, भगवद गीता पढ़ने के द्वारा आपको वो ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगा जिससे आप उस चैलेंज और समस्या को ओवरकम कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, जिस प्रकार अर्जुन ने किया था। कि भगवद गीता का जो ज्ञान है एक अस्त्र के जैसा है, शास्त्र मतलब शौ अस्त्र है, ये शोड ऑफ नॉलेज ज्ञान की तलवार है जिसके द्वारा आपके समस्या को काट सकते हैं। तो इसलिए भगवद गीता पढ़िए अच्छे से और इस ज्ञान के द्वारा शिक्षित होइए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, पर्सन हु हैव नॉट रेड भागवत गीता श्रीमद् भागवतम हिज एजुकेशन इज इनकम्प्लीट। आप सोच सकते हैं मैं तो इंजीनियरिंग कर लिया हूं, मैं तो अभी 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 नौकरी कर रहा हूं, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, एजुकेशन हो गया। एक्चुअली हमारा एजुकेशन नहीं हुआ है अगर हमें आत्मा की ज्ञान, भगवान की ज्ञान प्राप्त नहीं किया हुआ। तो ज्ञान नॉलेज मीन्स, हम लोग आप लोगों को पढ़ाए हैं पहले, नॉलेज मीन्स MSc। एम मतलब नॉलेज अबाउट मैटर, देन एस मतलब नॉलेज अबाउट स्पिरिट सोल, एंड देन सी मतलब नॉलेज अबाउट द कंट्रोलर ऑफ बोथ,
गॉड, दैट इज कॉम्प्लीट नॉलेज. कॉम्प्लीट नॉलेज मीन्स MSC, याद रखिएगा, नॉलेज अबाउट मैटर, नॉलेज अबाउट स्पिरिट एंड नॉलेज अबाउट द कंट्रोलर ऑफ बोथ गॉड. अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हमें नॉलेज अबाउट मैटर ही दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नॉलेज अबाउट बॉडी, नॉलेज अबाउट डिफरेंट मैटर, वो ज्ञान के क्या बोलते 10%, 5%, 20%, हाईएस्ट 25% है. कृष्ण गीता में वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, 24 आइटम ऑफ 24 एलिमेंट. वो भी क्या बोलते मॉडर्न साइंस वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है सिस्टम के 25 आइटम के बारे में. आगे चलते हैं. तो इसलिए भागवत गीता पढ़ेंगे तभी आपका एजुकेशन कंप्लीट होगा, अदरवाइज यू आर अनएजुकेटेड. तो भागवत गीता कोर्स हम लोग कैसे करें, मेक नोट एवरी डे. एवरी क्लास यू मेक नोट, फिक्स से टाइम फिक्स करिए व्हेन यू आर गोइंग टू रीड भागवत गीता. जैसे अभी क्लास सुन लिए, अभी तो हमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है. अगर नहीं पढ़ेंगे, मैं तो थोड़ा सामरी बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो बहुत सारा चीज आप मिस कर जाएंगे. विशेष करके श्रील प्रभुपाद जो भगवान की शुद्ध भक्त है, जिसका एक उनकी किताब का एक पेज आपके जीवन चेंज कर सकता है. प्रभुपाद बोलते हैं व्हाट टू स्पीक ऑफ वन पेज, वन वर्ड ऑफ दिस बुक कैन चेंज योर लाइफ. आई रिमेम्बर मेरे को याद है मैं कैसे भक्ति में आया. तो मैं थोड़ा पांच दो मिनट में स्टोरी बोल देता हूं. तो माय मदर वाज मेंबर ऑफ भागवत दर्शन क्या बोलते मैगजीन, इस कौन का जो भागवत दर्शन मैगजीन है उसका मेंबर थे. तो हमारे घर में आता था बैक टू गॉडहेड है, और हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं पढ़ता नहीं तो फोटो देखता था. तो फोटो देख के बहुत अच्छा लगता था, इस कौन का फोटो बहुत सुंदर है. तो फिर बाद में जब हमारे घर में एक प्रोग्राम हो रहा था, एक शास्त्र अनुष्ठान हो रहा था, उस समय प्रभुपाद जी के भागवत गीता हमारे घर में ऑलरेडी थे, लेकिन कोई पढ़ा नहीं था. तो उसको निकाल के पढ़ा गया था. उस जैसे श्राद्ध होता है तो लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें 13 चैप्टर जो है प्रकृति पुरुष विवेक, जो प्रकृति कैसे काम करते, आत्मा कैसे प्रकृति के तीन गुण के अंदर है, और इस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, लेकिन हर आत्मा अपने आप को कर्ता समझता है, लेकिन वो एक्चुअली नियंत्रण में है, प्रकृति के नियंत्रण में काम करता है, प्रकृति जैसा नाचाता है उसको नाचता है, लेकिन आत्मा सोचता है कि कर्ता रहमिति मन्यते, मैं करता हूं, मेरे इच्छा से सब कुछ हो रहा है, मैं इच्छा कर रहा हूं. एक्चुअली वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, प्रकृति के द्वारा इच्छा कर रहा है, प्रकृति जैसे प्रकृति के गुण है उसके अनुसार कार्य कर रहा है. तो मैंने जब पढ़ा नहीं सुना, और एक मेरे एक रिलेटिव पढ़ रहे थे, तो वो सुन के मेरे को बहुत मतलब एक लक्षण के दृष्टि प्राप्त हुआ, एक रियलाइजेशन हुआ कि किस प्रकार आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे, किस प्रकार हम लोग एक्चुअली हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि हम साधी नहीं है, एक्चुअली प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है और प्रकृति भगवान के द्वारा नियंत्रित है. तो ये जो प्रभुपाद जी के जो वो तात्पर्य है, मेरा भक्ति का शुरुआत कराया था. और फिर उसके बाद से मैं भागवत गीता पढ़ना और इस्कॉन में जाना स्टार्ट किया था. तो मैं कहना चाहता था कि प्रभुपाद जी के किताब का पर्पोर्ट तात्पर्य इतना शक्तिशाली है, आपके जीवन में सही दिशा प्रदान करेगा, आपको सही ज्ञान, क्योंकि ये जो मैटेरियल लेवल में इंटेलेक्चुअल लेवल में नहीं है ये ज्ञान, ये आध्यात्मिक स्तर पे है, और ये ज्ञान आध्यात्मिक जगत से आया है. ये जो प्रभुपाद जी की किताब है आध्यात्मिक जगत से आया है ये किताब. अगर आपके पास भागवत गीता है, प्रभुपाद जी की गीता है, आपके पास कृष्ण है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कृष्ण आपके पास है. और ये गीता को आप पढ़िए, इसका मतलब है कृष्ण से आप श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण इज स्पीकिंग टू यू एंड यू आर हियरिंग फ्रॉम कृष्ण एंड इट इज कमिंग डाउन इन डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं. तो इसलिए ये जो ज्ञान है ये हमारे जीवन को बदल सकता है, और ये ज्ञान करोड़ों लोगों की जीवन बदल चुके हैं. अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, रशियन, चाइनीज, कम्युनिस्ट कंट्री,
इन लोगों के जीवन बदल चुके हैं। तो ये जो भगवत गीता, ये दूसरे जो भगवत गीता है जो परंपरा से नहीं है, वो उनके घर के घर घर के जो लॉकर में या सेल्फ में धूले धूल भरा हुआ अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी के भागवत गीता, टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज, होम टू होम, मैन टू मैन, वोमेन टू वोमेन, कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, हजार हजार लोगों के पास जीवन बदल रहा है। तो इसलिए इस भागवत गीता को सीरियसली लीजिए। भागवत गीता के ऊपर ही सारे भक्ति का फाउंडेशन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का फाउंडेशन भागवत गीता के ऊपर है। तो रीड भागवत गीता, ट्रांसफॉर्म योर हार्ट, आपके हृदय को ट्रांसफॉर्म करिए। आप बहुत बड़े पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा अच्छा जीन्स टी शर्ट टाई कोट पैंट पहन सकते हैं, अच्छे से अपने 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 आप को डेकोरेट कर सकते हैं, बट इफ यू डू नॉट एबल टू डेकोरेट योर हार्ट, आपके हृदय को अगर आपने परिवर्तन नहीं किया, हृदय को आपने शुद्ध नहीं किया, हृदय को आपने सही ज्ञान के आधार पर एस्टैब्लिश नहीं किया अपने जीवन को, तो आवर लाइफ इज यूजलेस। हम लोग जीवन में बहुत बड़े पोस्ट पोजीशन प्राप्त करने के बाद भी जीवन में डिससेटिस्फाइड रहेंगे, और यही पोजीशन है आज के दुनिया में लोगों की। लोग केवल बाहरी प्रगति के तरफ दौड़ रहे हैं, बड़ा क्या बोलते हैं, इमारत बनाना, स्काई स्क्रपर बिल्डिंग या मेट्रो ट्रेन, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, देन फ्लाईओवर, जेट प्लेन। तो पीपल आर रनिंग आफ्टर एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड सक्सेस, बट देयर इंटरनली कोलैप्सिंग, अंदरी रूप से दे आर कोलैप्सिंग, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर डिप्रेस्ड, सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग एडिक्टेड है, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो जैसे जैसे वल्चर होता है, वल्चर आसमान के सबसे ऊपर चल तैरता है, लेकिन उनकी चेतना कहाँ पे है, वो गटर में है, चेतना मरा हुआ शरीर के ऊपर है। तो उसी प्रकार इस दुनिया में लोग बहुत उच्चे जीवन जी रहे हैं, स्काई स्क्रपर बिल्डिंग में चल रहे हैं और एसी गाड़ी में चल रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना किस में है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन। दिस इज द सिचुएशन ऑफ करेंट सोसाइटी, दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ टूडेज डिग्रेडेड सोसाइटी। बट वी आर थिंकिंग, हम लोग क्या सोचे, हम लोग बहुत एडवांस है, बड़े ऑफिस में ग्लास बिल्डिंग में हम लोग काम करते हैं, कोट टाइप पहन के जाते हैं, हमारे गले में एक है ये क्या बोलते हैं टाई या टैग झुला दिया जाता है कि आप इनके नौकर है, और हम लोग सोचते हैं मैं बहुत महान हूँ, टीसीएस में काम करता हूँ, मैं बहुत महान हूँ, आईबीएम में काम करता हूँ। फॉरेन लोगों का नौकर है जो लोग नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, अवैध संग करते हैं। सो दिस इज अभी के भारतवर्ष के लोगों को, इसको सम्मान के रूप में लेते हैं, सम्मान के रूप में लेते हैं। तो इसलिए भागवत गीता के ऊपर जीवन जिए, जीवन को यही इंडिपेंडेंस है, यही स्वाधीनता है, यही सेलिब्रेशन है, लाइफ को सेलिब्रेट करना। वो जो जो क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन में और अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं, इसको खरीदिए और सेलिब्रेट करते हैं लाइफ, दैट इज नॉट सेलिब्रेशन, दैट इज डिग्रेडेशन। रियल सेलिब्रेशन इज इफ यू रीड गीता, प्रैक्टिस गीता, दैट इज रियल सेलिब्रेशन। तो इसलिए भागवत गीता पढ़िए, भागवत गीता के शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करिए, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर सिंसियरिटी, जितना आप सिंसियर बनेंगे। हाँ, द इस्कॉन एंड द क्लासेस आर इज अ हेल्प टू यू, बट योर सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सिंसियरिटी जो है आपका, वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है आपके भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप सिंसियरिटी नीड से नहीं लेंगे तो सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, बट यू विल नॉट बी एबल टू बेनिफिट योर सेल्फ। सो देयर फॉर वी हैव फैसिलिटेटर्स लाइक अक्षय प्रभु, गोविंद प्रभु, नितीश प्रभु, देयर मेनी डिवोटीज आर देयर, दे आर सर्विंग एज अ फैसिलिटेटर। आपको कॉल करते हैं, आपको पूछते हैं कि आपका क्या सुविधा है, क्या सुविधा है, क्लास में आएंगे कि नहीं, जप हो रहा है कि नहीं, तो टेक हेल्प फ्रॉम देम। And same time, I am also present as a servant of all of you. You can call me also, and any things you want to communicate, you can call, you can WhatsApp, or you can communicate through the devotees also. So, इस प्रकार
कृष्ण और कृष्ण भक्तों की आश्रय है, कृष्ण और कृष्ण भक्तों की आश्रय में हम लोग गीता को पढ़ना चाहिए, हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। और आप आपके जीवन में आप कोई भी आश्रम में रह सकते हैं, गृहस्थ आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम, आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, हाउसवाइफ बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिकम ए डिवोटी, बिकम ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड दस बी ए फेथफुल टुवर्ड्स गॉड, नॉट बिकम अनफेथफुल लाइक दुर्योधन। एंड व्हेन यू बिकम अनफेथफुल टू दुर्योधन एंड बिकम फेथफुल टू आवर सेंसेस, आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अधर्म एंड मैटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट, देन वी बिकम डिस्ट्रॉयड लाइक दुर्योधन बिकम डिस्ट्रॉयड, देन रावण बिकम डिस्ट्रॉयड। सो कॉल्ड एडवांसमेंट, तथाकथित प्रगति जो है, अगर हम लोग उसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमारी प्रगति ज्यादा दिन हमें मदद नहीं करेगा, एक समय सब कुछ खत्म हो जाएगा, और वही आज की दुनिया की स्थिति है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट हुआ है। तो इंट्रोडक्शन के एंड में प्रभुपाद जी परंपरा मेंशन किया है, गीता महत्व और परंपरा मेंशन किया, किस प्रकार ये ज्ञान कृष्ण से आया है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस प्रकार ये जो ज्ञान है उन्होंने उन्होंने अलग अलग किताब से उन्होंने दिया है, पद्म पुराण, श्रीमद भागवतम। और प्रभुपाद जी किताब पढ़ेंगे, हर जगह प्रभुपाद जी कोट करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद भागवतम, ब्रह्म संहिता, चेतन चरितामृता, कठोर उपनिषद, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुर पुराण, पद्म पुराण, हर जगह में प्रभुपाद जी कोट किया। इसलिए प्रभुपाद जी की जो भागवत गीता इज मोस्ट ऑथेंटिक हो, और इसलिए ये जो भागवत गीता लोगों के जीवन को परिवर्तन किया है, लोगों को अपील किया है। तो सो देयरफॉर मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रीड द बुक। हम लोग एक हफ्ता आपके पास है, और हम लोग जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स कर रहे हैं, इसका जो रीडिंग पार्ट है बहुत कम है, ये बहुत पतला किताब है, मतलब 30-35 पन्ने का किताब है, लेकिन हालांकि मैसेज बहुत डीप है, आपको समझना इम्पोर्टेंट, लेकिन पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन भागवत गीता जो है, भागवत गीता है, उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमने दो किताब रखा है, जो दोनों इम्पोर्टेंट बुक है स्टडी डिवोटी हैप्पी डिवोटी कोर्स में। तो भागवत गीता और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन छोटा किताब है, भागवत गीता थोड़ा बड़ा किताब है, तो आपको दोनों मिला के आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीक में इंट्रोडक्शन चालू किया था, तो उसमें आपको एक हफ्ता मिला, अभी फिर से आपको एक हफ्ता है, अगले वीक में हम लोग फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, तो आपको 2 वीक मिला इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए। तो आई थिंक 2 वीक जो है क्वाइट सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, उसमें शायद 20 पत्ता है, 20 नहीं होगा, 15 होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट करिए। ये जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, मैं बोलता हूँ इसको कैसे आया है, प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर देने के लिए गए थे विदेश में, तो शुरुआत में जब प्रभुपाद जी इसको उनका शुरुआत किया था, तो एक दिन प्रभुपाद जी क्लास देने के लिए गया था, तो कोई नहीं आया था क्लास सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी कैसा स्ट्रगल किया है सोचिए, प्रभुपाद जी तो 70 साल की उम्र में गए थे विदेश में, और उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, और वो राइट जाएंगे ना लेफ्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कुछ भी नहीं पता था। प्रभुपाद जी के पास कोई पैसा नहीं था, उनको कोई हेल्प करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन ऐसा व्यक्ति निकले हुए थे सारे विश्व में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। और देखिए भगवान ने कैसे उनको मदद किया। जैसे अर्जुन युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन भगवान के शरणागत हुए, वो युद्ध हार रहा था, भगवान के शरणागत में भगवान ने मदद किया। और उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने अकेले गए थे भगवान के मिशन में, अर्जुन भी भगवान के मिशन में था, और प्रभुपाद जी भी भगवान के मिशन में, भगवान ने मदद किया था। यस और नो? यस, यस प्रभु जी। सो बिकम फेथफुल टू कृष्णा, लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ कृष्णा, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू अर्न मनी, यू acquire your basic necessities, there is no problem, that is your duty. Arjuna के भी दायित्व था कि वो क्षत्रिय के हिसाब से काम करे, but become a devotee of Krishna like Arjun. दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था, but he was disobedient to Krishna. तो कृष्णा कृष्णा हमें नहीं बताते कि आप भिखारी के जैसा रहिए,
हालांकि कृष्ण तो उनके सारे अपुलेंस उनके भक्तों को ही देते हैं, तो भगवान के भक्त बनिए। तो भगवान प्रभुपाद जी को मदद किए थे। तो प्रभुपाद जी जब एक दिन क्लास देने के लिए गए थे तो एक भी व्यक्ति नहीं आया था सुनने के लिए। देखिए अभी हम लोग क्लास कर रहे थे, क्लास कर रहे हैं, एटलीस्ट 20 लोग बैठे हुए, 25 लोग बैठे सुनने के लिए, तो जो बोलने वाला व्यक्ति का भी उत्साह होता है, अरे एटलीस्ट कुछ लोग सुन रहा है। अगर कोई नहीं बैठेगा तो क्यों किसको बोलने का उत्साह मिलेगा। तो प्रभुपाद जी एक दिन आए थे, कोई भी व्यक्ति, केवल चार दीवाल था। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, कोई नहीं आया तो क्या हुआ, मैं अपना कर्तव्य करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन्होंने एक घंटा का लेक्चर दिया, ठीक है। और प्रभुपाद जी का इतना फेथ था कि मैं मेरा कर्तव्य करता हूं कृष्ण के लिए, गुरु के लिए, और कृष्ण जरूर मदद करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो लेक्चर 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 उन्होंने लेक्चर दिया, एक घंटे का लेक्चर दिया, और उन्होंने वो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने क्या किया, वो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, और वही लेक्चर का रिकॉर्डिंग है भागवत गीता का इंट्रोडक्शन, जो आज करोड़ों 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 अरबों खरबों लोग पढ़ रहे हैं और उनके जीवन बदल जा रहा है। तो देखिए, अगर आप भगवान के प्रति फेथफुल है, सीरियस है, यू कैन क्रिएट अ बिग रेवोल्यूशन, यू कैन क्रिएट अ बिग रेवोल्यूशन, बिकॉज कृष्णा इज द अल्टीमेट ट्रूथ, कृष्णा इज द परम सत्य है, और उस परम सत्य के आधार पर अगर आप जीवन जिएंगे, आप अपने जीवन में रिवोल्यूशन कर सकते। ऑब्वियसली वी नीड गाइडेंस, ऑब्वियसली वी नीड टू हैव पेशेंस, हमें धैर्य चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, और हमें भक्तों की और भगवान के जो शुद्ध भक्त है गुरुदेव के आश्रय चाहिए। सो वी कैन जैसे अर्जुन ने हेल्प लिया था कृष्ण से, तो अगर कृष्ण हमारे साथ हैं, पर क्योंकि कृष्ण परम सत्य हैं, आप अपने जीवन में रेवोल्यूशन कर सकते हैं, और इस सोसाइटी में, जो सोसाइटी अंधकार में, अंधकार की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस सोसाइटी में कुछ रेवोल्यूशन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता कोर्स की, भगवत गीता कोर्स पार्टिसिपेंट्स की, गौर प्रमानंदे हरि हरे।